हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारा स्टडी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे। हम इसमें बताएंगे कि गियर में एडेंडम क्या होता है, गियर का डिडेंडम क्या होता है, और आपको इस इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर का बेस जो है, बेस में से एक चीज़ माना जाता है गियर को, और गियर टर्मिनोलॉजी हर एक मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर हमारे गियर्स हैं, इसके हमने दो टीथ को ले लिया है, एक टीथ ये है, एक टीथ ये है, दो कॉन्सिक्यूटिव टीथ को हमने ले लिया है यहाँ पर समझाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच सर्कल की। तो पिच सर्कल जो होता है वो गियर के सेंटर से, जैसे ये गियर का सेंटर है, समझिए पिच सर्कल जो होता है वो सेंटर से पास होता है। यहां पर इस सेंटर से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हो जाता है हमारा एडेंडम, और उससे नीचे का जो हिस्सा होता है बॉटम तक का वो हो जाता है डिडेंडम। आप यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया हमारा एडेंडम और ये हो गया हमारा नीचे वाला पोर्शन डिडेंडम। ये बीच में जो है ये है आपका पिच सर्कल, यानी पिच सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल है जिसके ऊपर का जो पोर्शन है टॉप तक का वो होता है एडेंडम, और उसके नीचे का जो पोर्शन है बॉटम तक का, बॉटम लैंड तक का, वो होता है आपका डिडेंडम। तो एडेंडम और डिडेंडम के बारे में बहुत आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो टिथ का ऊपर का जो हिस्सा है वो होता है एडेंडम, और जो टिथ का नीचे का जो हिस्सा है वो होता है डिडेंडम। अब एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। जो एडेंडम होता है, एडेंडम जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एडेंडम और डिडेंडम के बीच का रिलेशन बताता हूँ। तो डिडेंडम जो होता है वो 1.157 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल, या फिर एडेंडम भी बोल सकते हैं इसको। आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूं, आप पीछे की इमेज को अभी मत देखिए, ये है आपका एडेंडम। एडेंडम जो होता है वो मॉड्यूल के बराबर होता है, यानी कि किसी भी टीथ का जो मॉड्यूल है वो उसके एडेंडम के बराबर होता है, और जो एडेंडम है वो मॉड्यूल के बराबर होता है। अब जो किसी भी गियर टीथ का या गियर का जो डिडेंडम है, डिडेंडम जो होता है वो होता है 1.157 टाइम्स ऑफ एडेंडम, या फिर आप इस एडेंडम की जगह मॉड्यूल भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा डिडेंडम इज इक्वल टू 1.157 मल्टीप्लाइड बाय आपका मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीजें तो आपको समझ आ गई होगी। एडेंडम से होकर जो सर्कल क्रॉस होती है उसे एडेंडम सर्कल कह देते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये है एडेंडम सर्कल जो यहां से क्रॉस हुई है ये, और जो सेंटर से क्रॉस होती है उसे पिच सर्कल कहते हैं, हमने पहले बताया था, और जो नीचे से क्रॉस होती है बॉटम से उसे कहते हैं डिडेंडम सर्कल। आप देख सकते हैं ये डिडेंडम सर्कल है, डिडेंडम सर्कल यहां पर है, सॉरी ये देखिए यहां पर डिडेंडम सर्कल को बताया गया है। और जो ये डिडेंडम सर्कल है और ये यहां पर जो रूट के बीच में जो गैप है उसे क्लीयरेंस कह देते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं यही क्लीयरेंस जो होता है वो इसका रूट क्लीयरेंस होता है। मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें गियर का मॉड्यूल, रूट क्लीयरेंस और उसका बैकलेस कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सब फॉर्मूला आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अब चलिए और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो सामने का जो हिस्सा है टीथ का, उसे हम कह देते हैं टॉप लैंड। जैसा कि आप इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टॉप लैंड है और ये फेस विड्थ है, जो चौड़ाई है टीथ की
ये एक टिथ है, इस टिथ की चौड़ाई जो है, ये देखिए ये एक टिथ है समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये टिथ की चौड़ाई जो है उसे फेस विड्थ कह देते हैं। और दो कंसेक्यूटिव टिथ के बीच में जो गैप है उसे कह देते हैं स्पेस विड्थ, और दो कंसेक्यूटिव सेम पॉइंट के बीच पे जो है उसे सर्कुलर पिच कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इमेज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे सर्कुलर पिच कहा जा रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है उसे स्पेस विड्थ कह दिया जा रहा है। और इस टिथ का थिकनेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक को टूथ थिकनेस कह दिया जा रहा है। तो ये क्लियर है आपका। और जो ये सामने वाला पोर्शन है उसे फ्लैंक कह देते हैं, और इस पोर्शन को आपका फेस कह देते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है पूरा, इसे कह देते हैं बॉटम लैंड, ये जो नीचे वाला पोर्शन है गियर का, और ये वाला जो पोर्शन है ये टॉप लैंड हो गया है। और यहाँ इस पोर्शन को फ्लैंक कह देते हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है जो कि डिडेंडम साइड में आता है यहाँ तक, और ये ऊपर का जो इधर का हिस्सा है उसे फेस कहते हैं। तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आपका ऊपर एडेंडम सर्कल प्लस नीचे जो है ये, जो कि क्लीयरेंस को छोड़ करके जो है, यानी कि डिडेंडम माइनस क्लीयरेंस, डिडेंडम में क्लीयरेंस को जो है माइनस कर देंगे, उसको प्लस एडेंडम को ऐड करेंगे, तो इतना एरिया जो होता है ये वर्किंग डेप्थ होता है, इतना एरिया हमेशा कांटेक्ट में रहता है अगले गियर के। तो ये हो गया आपका गियर का टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, और काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल्स में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।